राष्ट्रीय बालिका दिवस भोजपुर जिला में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस बालिका दिवस को उद्घाटन जिलाधिकारी रोशन कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी माताओं को एक एक पौधा सौंपा, ताकि ये पौधे के समान यह बालिका है और जिस प्रकार पौधा है उसी प्रकार यह बालिका है। दोनों की सेवा करने का आदेश, आश्वासन, अनुग्रह जिलाधिकारी ने सभी माताओं से की। ताल नहीं होती है और इन मानसिकता को बदलने और व्यवहार में परिवर्तन में कहीं न कहीं हमारे सरकारी योजनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान। हम देख रहे हैं कि बेटियां हर जगह बहुत आगे हैं, अब उन्हें पीछे मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए जिला स्तर पर हम लोग बैठक कर रहे थे तो सरकार निर्देश पर था कि बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश उस पर परिवार में भेजे जाए। कुछ एक हम लोगों ने मोबाइल से भेजने का प्रयास किया था, पर फिर डिसीजन हुआ इस साल वाले में मीटिंग में कि पति के लिए आपको बहुत ताकि वह एक याद के रूप में रह जाए। तो यह बधाई पत्र वितरण के कार्यक्रम के लिए सबसे अच्छा मौका हमारा आज यह बालिका दिवस था, जो सर के हाथों से चुने हुए शहरी क्षेत्रों के कुछ लाभार्थियों को बुलाया गया था, उन्हें बधाई पत्र दिया जाएगा और बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने का एक परंपरा कई जगहों पर है भी, हम चाहते हैं कि हमारे जिले में भी यह परंपरा हो जाए। हमारा जो अभी तो सभी जगह चल रहा है जल जीवन हरियाली की जो थीम है वो भी इससे काफी कुछ फुलफिल होगी। यहाँ हमें विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह माध्यम थाना का हो, चाइल्ड लाइन का हो या किसी संस्थान का हो, किसी न किसी स्थिति में लावारिस हालत में जो बच्चे पाए जाते हैं, झाड़ियों में फेंके हुए, अस्पतालों में छोड़े हुए या ट्रेन में छोड़े हुए, ऐसे बच्चों को आवासित कराया जाता है और वहाँ भी बड़ी संख्या में बच्चे भी है, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं है, लड़के भी है पर बच्चियां ही अधिक पाई जाती है। या फिर हमें इस चीज को सोचने को मजबूर करता है कि क्या सच में हम लोग बालिकाओं को लेकर काफी प्रोग्रेसिव हो गए हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं और हम इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि ऐसी बच्चियों को परवरिश करने का। इसके आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सब लोग जानते हैं कि बेटियों का हमारे देश में इस पूरी दुनिया में क्या महत्व है और खास तौर से जब हम लोग इस देश में नदियों को, धरती को, सबको जब हम लोग माता की नजर से देखते हैं तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि बेटियां होंगी तभी आगे जाके माताएं होंगी। विगत कुछ वर्षों में जो सरकारी योजनाएं चली हैं, लोगों के बीच में जागरूकता आई है, उससे ये हम लोग 100% सुनिश्चित कह सकते हैं कि समाज में जो एक भावना उठी थी, एक इस तरह की एक बात चल गई थी कि लोग नहीं चाहते कि उनके घर में बेटियां हों या नई बेटी होती थी तो लोग उतना दुखी नहीं होते थे, सबको बालक सब दुखी होते थे उस टाइम में और सबको था कि सबके घर में केवल बालक का ही जन्म। लेकिन जैसे जैसे पिछले 20-25 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ी, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी तो लोगों के बीच में एक एहसास हुआ कि नहीं, बेटे हो चाहे बेटियां हो दोनों ही उतने ही जरूरी हैं। सरकार की तरफ से भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य उसके पहले की भी जितनी भी योजनाएं रही हैं उसमें एक ऐसा फोकस देने का कोशिश किया गया है कि अगर आपके घर में कोई बेटी है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अनुदान के रूप में या योजना के रूप में प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है, उनको पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में भी उन लोगों के लिए है जहाँ पे जिनके यहाँ छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, लेकिन कई बार प्राय अभी भी गीता देवी पति जीतन लाइन में लगा के रखिए। Gracias.